हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घटना चक्र प्रीव्यू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और ये आज हमारा होगा पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड का हमारा टॉपिक आपके सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे और उस रिलेटेड उस टाइम पे जो भी बंगाल में उस टाइम पे जो भी गवर्नर थे या फिर उस समय जो भी इंडियन रूलर्स वहाँ पर रूल कर रहे थे उनके बारे में हम यहाँ पर सारी चीज़ों को जानेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे इंडिया में जो अपने कदम है, जो अपना होल्ड है ना, वो किस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के जितने भी यहाँ पर एमसीक्यू वाला पार्ट है उसके साथ। ये जो क्वेश्चन है ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत जरूरी है। ये आप अगर पूरी बुक को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, जो बाकी सब जो एग्जाम्स वगैरह है उसमें आ चुके हैं, वो सारे यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से क्लियर होगी अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है यहाँ पर, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। पूछा गया है कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था जिसको अपॉइंट किया था किसी मुगल एम्परर ने। ओके, क्योंकि आने वाले जो भी गवर्नर होंगे या जो भी चीफ कमिश्नर होंगे वो सारे तो कौन करने वाला है, वो सब तो ब्रिटिशर्स अपने इशारों पे नचाएंगे सबको। तो यहाँ पूछा है कि मुगल एम्परर कौन थे वो, है ना, मतलब जिन्होंने किसी लास्ट गवर्नर को अपॉइंट किया था। तो लास्ट गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो वो थे, यहाँ ऑप्शन आपके सामने है और इनमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। ठीक है, और कौन से मुगल एम्परर ने इनको अपॉइंट किया था, तो ये किया था फारूक शियार ने। किसने किया था, फारूक शियार ने। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। और नीचे जो इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो जो ये क्वेश्चन बन चुके हैं जो पहले आ चुके हैं, कभी कभी होता है कि यही हमें बिल्कुल सेम देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अब क्या होगा इसके जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फारूक शियार द मुगल एम्परर प्रमोटेड मुर्शिद कुली खान गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717। तो फारूक शियार ने गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया मुर्शिद कुली खान को 1717 में। शुजाउद्दीन द सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान बिकम गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान। उसके बाद मुर्शिद कुली खान का जो सन इन लॉ होता है शुजाउद्दीन, ठीक है ना, मुर्शिद कुली खान की डेथ के बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन को बना दिया जाता है गवर्नर। ठीक है, हु वॉज डियरली रेटिफाइड बाय द मुगल एम्परर महमूद शाह। और ये किसके टाइम पे बना, तो महमूद शाह के टाइम पे बना। महमूद शाह को एक और नाम से बुलाया जाता था और वो नाम था रंगीला। काफ़ी मतलब शौकीन किस्म के इंसान थे ये, तो इसलिए इनको एक नाम दे दिया था रंगीला। हिज फादर इन लॉज वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर इंडिपेंडेंटली। ओके, तो इसके फादर इन लॉ ये कौन थे, ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे जिन्हें किसी मुगल एम्परर ने इंडिपेंडेंटली किया था। करने को तो ये मोहम्मद शाह ने भी किया था, लेकिन मोहम्मद शाह ने किसके इन्फ्लुएंस में, अब यहाँ पर किसका सब कुछ रूल आ चुका था, मतलब ये ऐसा था कि ये तो ना खुद से काम करता ही नहीं था, इसके जो आसपास के इसके चेले चपाटे थे वो ये सब काम संभालते थे। तो इंडिपेंडेंटली एक अपनी सोच को लेकर इंडिविजुअली जो उसका खुद का डिसीजन था वो था किसका, फारूक शियार का, जिसने मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया था। तो इसलिए पूछा गया कि कौन सा मुगल एम्परर है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि मोहम्मद शाह ने भी तो किया था, मोहम्मद शाह तो कुछ काम करता ही नहीं था अपने हिसाब से। तो इसीलिए हम किसको टिक किया, हमने यहाँ पर फारूक शियार को और ऊपर हमने मुर्शिद कुली खान को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। तो अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। तो देखिए, ये कौन सी वॉर थी जिसने जो ब्रिटिश की जो सुप्रीमेसी है उस पर क्या कर दिया, इंडिया में उसको कंसोलिडेट कर दिया। तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। क्या था, बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन नंबर आपका बी, बैटल ऑफ प्लासी। से पढ़ते हैं, ब्रिटिश सुप्रीमेसी इस्टैब्लिश इन इंडिया फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी। देखिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ब्रिटिश डिफीटेड नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो सबसे पहले तो आपको डेट ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्लासी है उसकी जो बैटल की जो डेट है ना वो क्या है, ये आपको ना 23 जून है ये भी याद रखना है, और 1757 ये भी याद रखना है। सिर्फ ईयर याद रखने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बार ये पूरा एकदम फुल डेट पूछी गई है। इसमें हारे कौन थे, कौन से नवाब हारे थे, तो सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे, अंग्रेज़ों ने उनको हरा दिया था। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये किसकी कमांड में हो रही थी, तो ये हो रही थी रॉबर्ट क्लाइव।
नवाब्स आर्मी वॉज अंडर द कमांड ऑफ थ्री ट्रेटर्स, जफर यार, लतीफ खान एंड राय दुल्ला। तो नवाब के आर्मी में यहाँ पर तीन ट्रेटर्स थे जो देखा जाए तो सिर्फ नाम के लिए इनके साथ थे, है ना, लेकिन इनके साथ वो धोखा कर रहे थे। वो असल में किसके साथ थे? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे। तो इसमें कौन कौन थे? जफर यार, लतीफ खान और राय दुल्ला। सिराज फ्लैट फ्रॉम द बैटल फील्ड टू मुर्शिदाबाद। यहाँ पे जो सिराज है वो जब उनको लगा कि भाई वो नहीं जीत पाएंगे तो वो मुर्शिदाबाद चले गए यहाँ से अपनी वॉर को छोड़ के। इट फाइनली रिजल्टेड इन हिज डिफीट। दिस विक्ट्री प्रोवाइडेड इंस्टेंट मिलिट्री कमर्शियल बेनिफिट टू ब्रिटिशर्स। अब जब भाई वहाँ का जो नवाब है वही उस फील्ड को छोड़ के चला गया तो वहाँ पर जो फायदे हैं वो किसको मिलने वाले हैं? वो ब्रिटिशर्स को मिलने वाले हैं। बैटल ऑफ प्लासी सेट द ग्राउंड ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन ओवर एस्टैब्लिशमेंट ओवर थ्री लीडिंग स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्टिंग, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। और यहाँ पर सिराजुद्दौला के यहाँ से भागते ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा का पूरा कंट्रोल किसके हाथों में चला गया? तो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसने जो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी थी इंडिया के ऊपर, जो उसकी पावर थी, उसको कंसोलिडेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। अभी ऊपर पढ़कर आए हैं तो कौन सी बैटल है? तो बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर किसको माना जाता है इंडिया के अंदर? तो ये माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। समझ गए ना क्यों माना जाता है? क्योंकि जो पहली वॉर जो सक्सेसफुल मानी जाती है और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक अच्छा खासा तकड़ा फायदा पहुंचता है वो कौन सी थी? वो बैटल ऑफ प्लासी थी। और उसको कमांड किसने किया था? वो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज अ हेवन बॉर्न जनरल। तो जो यहाँ पूछा गया कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश जनरल था जिसे हेवन बॉर्न जनरल कहा जाता था, तो ये किसे कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव को। भाई वो लोग तो कहेंगे कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ इंडिया ट्वाइस, दो बार रहा है ये इंडिया का गवर्नर। He forced नवाब ऑफ ओद शुजाउद्दौला टू साइन द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। जब इसने शुजाउद्दौला को हरा दिया था जो नवाब ऑफ अवध थे, तो उसके बाद इसने उनके साथ क्या करी थी? एक ट्रीटी करी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जिसको भी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, और इसने बंगाल में भी अपने लोगों को बैठा दिया था। इंडीड ही वॉज अ स्टेटमेंट इन द मास्क ऑफ अ सोल्जर। विलियम पिट स्टेटेड डैट ही वॉज अ हेवन बॉर्न जनरल। तो याद रखना कि जो हेवन बॉर्न जनरल है ये किसे कहा गया है? तो हेवन बॉर्न जनरल किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। और यहाँ पर जो एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि जो हेवन बॉर्न जनरल है ये कहा किसने है? तो ये कहा है विलियम पिट ने। किसने कहा? विलियम पिट ने कहा है। ठीक है, तो याद रखना कि विलियम पिट को भी पिट पीट के ये बोला कि नहीं नहीं तुम्हें ये जो टाइटल है किसको देना है? रॉबर्ट क्लाइव को देना है। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम को पीट पीट के खुद को इतना अच्छा टाइटल दिलवाया। तो इस तरह से आप याद रख लेना विलियम पिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकटा इन 1784। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल है जो कैलकटा में जिसे इस्टेब्लिश किया गया 1784 में, तो पूछा गया किसने किया था ये काम? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं ये वाली में बात भी हम, तो ये किया था विलियम जॉन्स ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर बी, विलियम जॉन्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन। तो ये तो सबको पता हो जाना चाहिए। तो ये है वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो प्लासी का मॉडर्न नेम, जो पहले ये प्लासी था अब इसे प्लासी बोल दिया जाता है, ये कहाँ पर है? तो ये भागीरथी रिवर है जो नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर आपको मिलेगा। और 23 जून 1757 में जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी जो मतलब उसकी जो कंपनी की जो ट्रूप्स है उन्होंने हमला बोल दिया था नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला पे। और ये किसके अंडर हुआ था सब कुछ? तो रॉबर्ट क्लाइव के अंदर। रॉबर्ट क्लाइव को इसी के चलते क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और साथ में इसको क्या मिला था? अभी हमने पढ़ा था ना, एक टाइटल मिला था, तो आप वो बताओ कौन सा टाइटल मिला था वो, और वो टाइटल किसने दिया था इसको? क्वेश्चन नंबर 9, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। तो कौन से ईयर में लड़ा गया था ये 1757। ऑप्शन नंबर बी, 1757। और डेट क्या थी? 23 जून 1757। तो पूरी डेट याद रखी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो किसने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया था? क्योंकि वो इसको पता था कि ये लोग मुझे यहाँ पर जीने नहीं देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इससे दूरी बनाना ज़्यादा बेटर है। तो ये जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी ये करी थी मीर कासिम ने। किसने करी थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था मुंगेर। अब देखते हैं ये नीचे क्या लिखा हुआ है। तो मीर कासिम बहुत ही एफिशिएंट सक्सेसर थे अमंग द सक्सेसर ऑफ नवाब अली वर्दी खान। तो जो नवाब अली वर्दी खान थे उनके जितने भी बाद आते हैं सक्सेसर उनके, तो मीर कासिम उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट थे। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज कैपेबिलिटी एज अ लेफ्टिनेंट ऑफ पूर्णिया एंड मुंगेर।
He transferred his capital from Murshidabad to Mungate. The reason was to secure himself from the constant interference from Calcutta and intrigues of Murshidabad. क्योंकि यहाँ पर ना ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे ये बहुत ज़्यादा इनके मामलों में ये हमेशा इंटरफेयर करते ही रहते थे. इसने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया यूरोपियन मॉडल पर, फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, आर्म्स, एम्यूनेशन, खुद को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया इसने, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, ये गन्स वगैरह, टैंक्स, क्योंकि मैं पता था जिनसे हम लड़ रहे हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा अच्छी ये टैंक्स वगैरह है, वेपन्स है, तो हम वहाँ तलवारों से क्या करेंगे. तो इसने सबसे पहले खुद को इस तरह से स्ट्रॉन्ग किया. मीर कासिम ने बहुत सारे एफर्ट्स करे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए. द ऑफिसर हु हैड मिस अप्रोप्रिएटेड फंड्स वर हैवली फाइंड. अगर कोई लग रहा है कोई करप्शन कर रहा है, किस तरह का कोई बीच में कोई हेरा फेरी कर रहा है, तो उन पर टैक्सेस वगैरह लगाए, फाइन लगाए, कुछ नए टैक्सेस भी लगाए. एंड रेस्ड एक्सेस 3/32 टैक्स और ओल्ड टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था पहले से उसे थोड़ा और बढ़ा दिया. ही कलेक्टेड वन मोर टैक्स, है ना, तो इसने एक और टैक्स लगाया जिसका नाम था खीरी जमा, विच वॉज अर्लियर हिडन बाय द ऑफिशियल्स. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो ये खीरी जमा टैक्स है ये किसने लगाया. तो ये किसने लगाया, तो ये लगाया मीर कासिम ने. किसने लगाया, तो मीर कासिम ने लगाया. ओके, आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. The most decisive battle that led to the establishment of supremacy of the British in India was the Battle of Buxar, the Battle of Plassey, the Battle of Vandivash and the Third Battle of Panipat. देखिए जो यहाँ पर सही आंसर होगा द बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर. ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है. ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे बैटल ऑफ प्लासी को टिक कर देंगे. अब हमें बैटल ऑफ प्लासी को टिक नहीं करना है, बैटल ऑफ बक्सर को करना है. क्यों करना है वो हमें नीचे पढ़ना है यहाँ पर. On 22nd October 1764, British army defeated allied forces of Mir Qasim, Nawab of Awadh, Shuja-ud-Dawlah and Mughal Emperor Shah Alam II. समझ रहे हो, प्लासी में सिर्फ एक ही नवाब था, लेकिन यहाँ पर तीन लोगों को हराया जाता है, मीर कासिम को, शुजा-उद-दौला को और जो मुगल एम्परर होता है शाह आलम सेकेंड, इन तीनों को. ब्रिटिश आर्मी कमांड वॉज इन द हैंड ऑफ मेजर हेक्टर मुंडो. और यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी की जो कमांड होती है वो किसके हाथों में होती है, तो मेजर हेक्टर मुंडो के हाथों में होती है बैटल ऑफ बक्सर की. बैटल ऑफ बक्सर एश्योर्ड द रिजल्ट ऑफ प्लासी बैटल एंड एस्टैब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी और बनारस अलाहाबाद अक्रॉस द गंगा. द बैटल ऑफ बक्सर मेड अ वे फॉर ब्रिटिश एंड प्रूव दैट देर इज नो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बिफोर द ब्रिटिश. मतलब जो एक कसर रह गई थी प्लासी में वो बैटल ऑफ बक्सर ने पूरी कर दी कि भाई अब जब मुगल एम्परर को ही हरा दिया है हमने तो अब कौन बचा पूरे हिंदुस्तान में. तो इस तरह से ये जो बैटल थी ये एक रिजल्ट बन के सामने आई, इसने प्रूव कर दिया कि अब हमारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है. द बैटल ऑफ बक्सर कम्प्लीटेड वॉट प्लासी हैड बिगिन एंड अकॉर्डिंग टू सर जेम्स स्टेपन द बैटल ऑफ बक्सर डिजर्व्स मोर क्रेडिट दैन द बैटल ऑफ प्लासी. तो जो सर जेम्स स्टेपन थे उन्होंने कहा था कि बैटल ऑफ बक्सर को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है बैटल ऑफ प्लासी से एज द ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, लेकिन अब ब्रिटिश पावर का जो ओरिजिन है वो बैटल ऑफ प्लासी को मानते हैं. तो इन्होंने कहा कि जबकि ऐसा नहीं है, ये जो क्रेडिट जाता है ये बैटल ऑफ बक्सर को जाता है. तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी सर जेम्स स्टेपन ने ये बात कही थी. If the result of both significant battles are analyzed, it can be said that the Battle of Plassey was won by treachery. मतलब कि वो जो Battle of Plassey है ना वो एक धोखे से जीती गई थी कि भाई उसके लोगों को अपनी तरफ कर लिया, तो बैटल तो हुई नहीं थी एक तरह से, सब लोग तोप रहे थे उधर ब्रिटिशर्स के, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में ऐसा नहीं हुआ था. प्लासी मेड द इंग्लिश ओनली द कंट्रोलर ऑफ बंगाल. प्लासी की वजह से सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में क्या आया था, बंगाल आया था, जबकि बक्सर की वजह से एक पॉलिटिकल प्रेस्टीज कंपनी का पूरे भारत में फैल गया था. तो समझ गए, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो तो देखो पढ़ ही लिया है, और इसके बीच में से जो हमें लाइनें होती चुरानी है वो है कि सर जेम्स स्टेपन ने क्या कहा था, और ये द बैटल ऑफ बक्सर डिजर्व्स मोर क्रेडिट दैन द बैटल ऑफ प्लासी एज द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉज द रूलर ऑफ डेली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर. जब बक्सर की बैटल हुई थी उस समय डेली में रूलर कौन था, तो ये कौन था, शाह आलम सेकंड. अभी देखा था ना, इसको भी तो हराया था, तो शाह आलम सेकंड. क्वेश्चन नंबर 13. हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल वेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट. तो यहाँ पर नवाब ऑफ बंगाल कौन था जब बक्सर ऑफ बैटल लड़ी गई थी, तो ये कौन था, ऊपर पढ़ा था ना अभी हमने, तो ये मीर जाफर. ठीक है, धोखेबाज था ये, नवाब ऑफ बंगाल यही था उस टाइम पर बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था. तो ऑप्शन नंबर बी. द बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, तो 22nd अक्टूबर 1764, और किस किस के बीच में हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हेक्टर मुंडो संभाल रहा था एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम और मुगल किंग शाह आलम सेकंड और नवाब ऑफ अवध. जो मीर जाफर था वो कौन था, वो नवाब ऑफ बंगाल था उस टाइम पे. आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज. तो मोस्ट डिसाइसिव बैटल पूछी गई है, तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, इधर और देखते हैं क्या दिया हुआ है.
फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो कौन सी बैटल थी? तो वो थी बैटल ऑफ बक्सर। ध्यान रखना है, वापस नहीं जाऊँगी उधर, तो आप ध्यान रखना बैटल ऑफ बक्सर। द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया इज मार्क्ड बाय। तो फिर से वही है, बैटल ऑफ बक्सर मोस्ट डिसिसिव बैटल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आया था कि भाई देखो अब हमारे बराबर का कोई नहीं है पूरे भारत में। मेजर हेक्टर मुनरो इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द एलाइड आर्मी, क्योंकि यहाँ पर एलाइड आर्मी थी, तीन तीन लोग हमारे सामने खड़े थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, और सबसे बड़ी बात है जो भारत का उस समय मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड। तो यहाँ पर बैटल हुई एंड देयर वाज नो पावर लेफ्ट टू चैलेंज ब्रिटिश एम्पायर। अब इनके बाद भारत में कोई बचा ही नहीं था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो कोई नहीं बचा था इनको चैलेंज करने वाला। तो बैटल ऑफ बक्सर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो ये थी बक्सर, फिर से वही आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये, बार बार कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द हिंदू नायाब वजीर ऑफ अवध सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पूछा गया है कि हिंदू नायाब वजीर के अकॉर्डिंग है ना यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। राजा टिकेत राय, ठीक है ना, वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब आशफुद्दौला। पूछा गया है कि जो मतलब बताया गया है कि जो नवाब थे आशफुद्दौला उनके ये अर्थ मंत्री थे राजा टिकेत राय। दूसरा है यहाँ पर, यूजुअली देयर वाज सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट द हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध, के नवाब ऑफ अवध के की मतलब जो कोर्ट था उसमें जो मतलब कुछ हिंदूज थे जिनको काफ़ी अच्छी हाई पोजीशन पर रखा गया था। तो पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही है, तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, बोथ वन एंड टू आपकी क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। राजा तकई राय वॉज द अर्थ मंत्री ऑफ नवाब आशफुद्दौला ऑफ अवध एंड यूजली सर्टेन हिंदू कास्ट वर प्लेस्ड इन अ हाई पोजिशन इन द स्टेट ऑफ अवध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दिवाली टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन से रूलर को मिली थी दिवाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो ये किसको मिली थी, ये शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो शाह आलम सॉरी से पूछा गया है कि किसने दी थी, ठीक है ना, किस रूलर ने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवाली दी थी, तो ये दी थी शाह आलम सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। कहानी हमने पढ़ी ली है बहुत बार क्योंकि ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद अगस्त 1765 में। डेट याद रख रहा है कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद किसके बाद हुई थी, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में ये लोग हार गए थे, तो फिर इसे सेपरेटली सबसे ट्रीटी कर ली थी। तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कब हुई, अगस्त 1765 में, और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, तो 1764 में। द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड वॉज टेकन अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन, और यहाँ पर इस ट्रीटी के अंदर जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे जो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थे, अब उनको ब्रिटिश ने क्या ले लिया, कंपनी ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया और कहा अब आप दिल्ली में नहीं रहोगे, बहुत हो गया, चलो अब कहाँ चल रहा है, अलाहाबाद चलो। ही वॉज असाइंड अलाहाबाद एंड कड़ा सीडेड बाय द नवाब ऑफ औध, है ना, नवाब ऑफ औध से छीन के अब ये शाह आलम सेकंड को कहा कि तुम रहो यहाँ पर। द एम्परर इशूड एन ऑर्डर डेटेड 12th August 1765, तो एम्परर ने इसको कब इशू किया था, ये 12th August 1765 को क्या किया था, जो दिवाली थी बंगाल बिहार और उड़ीसा की ये किसको दे दी थी, ये कंपनी को दे दी थी, किसने दे दी थी, एम्परर ने। तो ये ध्यान रखना कौन सी डेट को इशू किया था ये फरमान, दिवाली ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा का कंपनी के लिए, तो 12th August 1765। और क्या कहा था, एक एनुअल पेमेंट 26 लाख की पेमेंट पे, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड ₹53 लाख फॉर द एक्सपेंसिस ऑफ निजामत। ड्यूरिंग हिज टाइम रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था बंगाल में वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। द एम्परर ऑर्डर लीगलाइज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ कंपनी इन बंगाल एंड ब्रिटिश रूल एक्सपेंडेड ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली। अब दिल्ली भी नहीं बचा था, जो सक्सेसर आए कि शाह आलम सेकंड के, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, ये सब पेंशनर बन के रह गए थे, अब इनको ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन देती थी खाली बस। क्वेश्चन नंबर 19, हु ग्रांटेड दिवाली ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी 1765। तो भाई इनका कौन भूल ही नहीं सकता, मुगल एम्परर थे, ठीक है ना, कौन से मुगल एम्परर थे, तो शाह आलम सेकंड थे। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच गवर्नर्स टेन्योर दिवाली राइट ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्परर शाह आलम। तो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव, भी पढ़ा कि भाई जब ये सब पूरा परपंच चल रहा था, ये दिवाली मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल उड़ीसा की बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो उस समय कौन सा गवर्नर का रूल चल रहा था बंगाल में, तो वो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव, कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 21, एम्परर शाह आलम सेकंड गेव द दिवाली ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी और, अभी कहा था मैंने डेट याद रखनी है हमें क्योंकि डेट वो पूछी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 12th August 1765। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एस्टैब्लिश ओवर द
फोर्ट ऑफ प्रयागराज। तो जो प्रयागराज का जो फोर्ट है, तो पूछा गया है कि उस पर पूरी तरह से जो ब्रिटिश की अथॉरिटी है वो कब एस्टैब्लिश हुई, तो वो ही 1797 में। कब हुई? 1797। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो अलाहाबाद फोर्ट है वो किसने बनाया था? तो वो अकबर ने बनाया था। एज द पार्टी ऑफ एज द पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, फोर्ट वॉज गैरिशड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स। इवेंचुअली इट वॉज सीडेड बाय शादत अली खान इन 1792 कंपनी। ठीक है, समझ गए? तो किसने बनाया था अलाहाबाद फोर्ट? तो ये अकबर ने बनाया था, लेकिन बाद में जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होता है तो ये एक तरह से ब्रिटिश के लिए बच जाता है कि हाँ भाई, उसके बाद फिर ये शादत अली खान पे भी पहुँचता है, लेकिन ये भी फिर क्या करता है, ये कंपनी के पास पहुँच जाता है 1797 में। शादत खान के थ्रू इस पर जो अथॉरिटी हो जाती है वो ब्रिटिशर्स की हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शुरुआती पीरियड था उसमें पूछा गया है कि वेस्टर्न प्रोवेंसी प्रेसिडेंसी को कहाँ पर बनाया गया था, तो ये था सूरत में। कहाँ पर था? तो सूरत में। तो सूरत वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द प्रेसिडेंसी वॉज एस्टैब्लिश विद द फाउंडिंग ऑफ एन ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री इन द वेस्टर्न इंडियन पोर्ट सिटी ऑफ सूरत, वो एंड वॉज टर्मिनेटेड बाय द प्रेसिडेंसी सीट वॉज मूव टू बॉम्बे। उसके बाद इसको बाद में टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, जब ये प्रेसिडेंसी सीट कहाँ एस्टैब्लिश कर दी जाती है? बॉम्बे में। हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर अलाहाबाद ट्रीटी। देखिए, जो अलाहाबाद की ट्रीटी हो जाती है 1765 में, उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ये मुर्शिदाबाद के लिए एक डेप्यूटी दीवान को अपॉइंट करता है, और ये कौन था? तो ये था मोहम्मद रजा खान। कौन था? मोहम्मद रजा खान। तो ध्यान रखना, डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद किसे अपॉइंट किया गया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को किया गया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब किया था? तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है? एक मतलब, क्योंकि अगर आप एक चीज़ याद रखोगे तो फिर दूसरी वाली आपको याद नहीं रही है। जोड़ के याद रखोगे भाई, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई, उसके बाद मुर्शिदाबाद में जो डिप्यूटी दीवान था, क्योंकि वहाँ पर जगह खाली हो गई थी, वो सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया था, तो वहाँ पर आप ब्रिटिशर्स अपने किसी आदमी को बैठाएंगे। और जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर कौन था? वो बहुत बार पढ़ चुके थे, रॉबर्ट क्लाइव था, तो सब कुछ उसी के अंडर आ रहा था। तो इसीलिए मुर्शिदाबाद का जो डिप्यूटी दीवान है उसको भी कौन अपॉइंट करेगा? रॉबर्ट क्लाइव करेगा। और किसको अपॉइंट किया? तो रजा खान को किया। किसको किया? रजा खान को किया। पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है, सेकंड ट्रीटी भी अलाहाबाद की, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को क्या ले लिया था? कंपनी ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया था, और क्या कहा था कि अब से वो कहाँ रहेगा? अलाहाबाद रहेगा, ना कि दिल्ली में रहेगा। शाह आलम ने इसके बाद 12 अगस्त 1765 को एक फरमान इशू किया, जिसमें कहा कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दिवाली राइट्स है वो किसको देगा? वो कंपनी को देगा, ठीक है, और उसके बदले ये जो रकम है ये बता दी। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज नाइदर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन, नॉर इट वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग सो। देखिए, यहाँ पर वो पैसा लेने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन उस पैसे को निकलवाना कैसे लोगों के बीच में से, उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए उसने क्या करा, उसने दो दीवान अपॉइंट करे। एक कहाँ पर करा? मुर्शिदाबाद में, ठीक है। मुर्शिदाबाद में किसको करा? तो मोहम्मद रजा खान को करा। और बिहार में किसको करा? तो राजा सितब रॉय को करा, ठीक है। ऑल बिजनेस ऑफ दीवानी निजामत वॉज कंडक्टेड बाई इंडियंस। तो ये जो बारामारी वाले काम थे ना, ये तो कर रहे थे ये दोनों, लेकिन वो जो पैसा निकल के फिर किसके हाथों में जा रहा था? तो वो जा रहा था वो ब्रिटिश कंपनी के हाथों में। तो ध्यान रखना, ठीक है, दो किए थे, दो अपॉइंट किए थे, एक मुर्शिदाबाद के लिए रजा खान को, और बिहार के लिए राजा सितब रॉय को। किसने किया था ये? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 25, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ दिवाली इन द ईयर 1765। देखिए, जब भी कोई ट्रीटी हो गई, इनको बहुत सारे जो दिवाली राइट्स मिल गए, अब इन्होंने अपनी बर्बादी शुरू कर दी। अब इनका यहाँ पर एक माउंटेड ट्राइब्स के साथ जो इनका पहला जो एक कॉन्टैक्ट हुआ, तो पूछा गया वो कौन सी ट्राइब थी? तो वो थी खासी ट्राइब। कौन सी थी? खासी ट्राइब, जिसके साथ ब्रिटिशर्स पहली बार कॉन्टैक्ट पे आए थे। तो दिवाली ऑफ सालसेट जब मिल गई ब्रिटिशर्स को 1765 में, तो स्कॉट ट्राइड टू लिंक सालसेट विद जैंतिया एंड गारो हिल्स। तो इससे क्या सोचा कि भैया, हम सालसेट को जैंतिया और जो गारो हिल्स है उसके साथ जोड़ने की कोशिश करी बाय लैंड रूट्स, ठीक है, जब इसके बर्मा की वॉर चल रही थी। तो खासी ट्राइब ने यहाँ पर क्या कर दिया? रिवॉल्ट कर दिया। किसकी लीडरशिप में कर दिया? तो यू तिरोक सिंह की। ध्यान रखना ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगी जब ट्राइब्स वगैरह पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स, है ना। तो यहाँ पर ये आपको अरेंज कर देंगे भाई, 18th सेंचुरी में जितनी भी बैटल हुई थी, पहले कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई, है ना, फिर वो सब आपको पढ़ लिया। तो पहली यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा बैटल ऑफ अबूर, क्योंकि सबसे पहले यही हुई थी 1749 में। कब हुई थी? 1749 में। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई थी हमारी, ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, और उसके बाद बैटल ऑफ वॉडी वॉश हुई थी 1760 में, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ये देखते रहिए। तो बैटल ऑफ अबूर हुई थी 1749 में। इसमें कौन कौन थे? कंबाइंड आर्मीज थी मुजफ्फरजंग की, चंदा साहिब की एंड द फ्रेंच डिफीटेड, सॉरी द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब एंड द फ्रेंच, ये तीन लोग मिले हुए थे इसमें। किसको डिफीट किया था? तो किल्ड किया था अनवरुद्दीन को किया था। इसी को बैटल को कहा गया बैटल ऑफ अबूर डियर बेल्लोर। ये लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 1749 में। मुजफ्फरजंग को इसके बाद जीतने के बाद सूबेदार बना दिया डेक्कन का। ड्यूप्लेक्स वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड द निजाम सरेंडर्ड सब डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्दर्न सरकार टू द फ्रेंच। अ फ्रेंच आर्मी अंडर बसी वॉज स्टेशन इन हैदराबाद। ठीक है, फिर बैटल ऑफ प्लासी हमने बहुत बार ऊपर पढ़ ली है, 1757 में हुई थी, जो नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी, रॉड क्लाइव इसको पूरे की पूरी को इसको कमांड कर रहे थे और मीर जाफर ने यहाँ पर क्या कर लिया था, वो इनके ब्रिटिशर्स की साइड चला गया था, इसको धोखा दिया था। ठीक है, सिराज को धोखा दिया था, इसलिए ये लोग जीत पाए थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद बैटल ऑफ वेडी वॉश भी हमने देखा था, ये किसके बीच में होती है? तो ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में होती है ये। तो यहाँ पर जो फ्रेंच थे वो हार गए थे ब्रिटिशर्स से, और जो सर आयरकूट थे वो लीडर थे किसके? ब्रिटिश आर्मी के। और वही फ्रेंच के लीडर कौन थे इस बैटल में? बैटल ऑफ वेडी वॉश में, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो काउंटी लेली थे। बैटल ऑफ बक्सर में आपको बहुत बार ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, 1764 में हुई थी। आगे देखते हैं, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेडी वॉश इन 1760। अभी पढ़कर आए हैं, फ्रेंच कमांडर कौन थे? तो काउंट डी लेली, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। इन द बैटल ऑफ वेडी वॉच 1760 कौन हारा था, कौन जीता था? तो भाई यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था किसको? फ्रेंच को। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। द फेमस बैटल ऑफ वेडी वॉच इन 1760 वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हू? तो किसके खिलाफ लड़ी जा रही थी ये बैटल? तो ये फ्रेंच के खिलाफ लड़ी जा रही थी। ब्रिटिशर्स किसके खिलाफ लड़ रहे थे ये बैटल? बैटल ऑफ वेडी वॉच, तो फ्रेंच के खिलाफ लड़ रहे थे। देखिए, अगर आप यहाँ तक अभी तक पहुँच गए हो तो अभी ज़्यादा नहीं रह रहा, दो तीन क्वेश्चन और है और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। उससे पहले आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? तो इसमें पूछा गया कौन सा पेयर इसमें सही तरीके से मैच है। तो बैटल ऑफ बक्सर वीर जाफर और क्लाइव के बीच में, तो बिल्कुल नहीं, वीर जाफर का रोल तो प्लासी में था, यहाँ तो कुछ रोल था ही नहीं उसका, तो ये तो गलत है। बैटल ऑफ वेडी वॉश फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी, ये सही है। और इसमें जीते कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, तो ये तुम्हारा सही है। तो बाकी तो देखो दोनों ये खुद अपने आप गलत है। ये पढ़ लेते हैं नीचे एक बार, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? अक्टूबर 1764 में। और ये हम बक्सर पढ़ चुके हैं इसलिए सब देखेंगे नहीं। बैटल ऑफ वेडी वॉश मैंने आपको बताया था, ये पढ़ते हैं, ये दो नहीं है। बैटल ऑफ चिलनवाला ये कब हुई थी? तो ये 13 जनवरी 1849 में हुई थी। कब हुई थी? 13 जनवरी 1849 में। लॉर्ड गॉक कमांडेड द ब्रिटिश आर्मी, तो ब्रिटिश आर्मी की साइड से कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड गॉक एट द सिख आर्मी, जिसकी साइड से कौन थे? शेर सिख। तो किसके बीच में हो रही है? ब्रिटिश आर्मी और सिख आर्मी। ब्रिटिश आर्मी को कौन कमांड कर रहा है? तो लॉर्ड गॉक। और वही जो सिख आर्मी उसको कौन कमांड कर रहा है? शेर सिख। द बैटल एंडेड अप अनडिसाइडेड, तो जो बैटल का एंड हुआ था अनडिसाइडेड था, आप डिसाइड नहीं करके नहीं बता सकते कौन जीता कौन हारा। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बैटल, तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो लॉर्ड डलहौजी था इंडिया का। बैटल ऑफ खरदा 1795 ये किसके बीच हुई थी? तो मराठा के साथ हुई थी, ये किसकी? निजाम के अगेंस्ट। एट दिस निजाम वॉज डिफीटेड, निजाम इस पर हार गए थे। तो ये ध्यान रखना आप दोनों ही चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विग्रेसली, सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स को जो अपोज कराया ना इंडिया में बहुत ही बुरी तरह से, वो भी तो वो किसने करा? तो वो कराया मराठाओं ने। किसने कराया? मराठाओं ने। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़ी मुसीबत थे मराठा किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, मराठाज अपोज ब्रिटिश विग्रसली इन इंडिया, मराठाज वॉज सप्रेस्ड आफ्टर 3 एंग्लो-मैसूर वॉर, तो है ना 3 एंग्लो-मैसूर वॉर हुई है और इसमें काफ़ी बुरी तरह से हराया अंग्रेज़ों को, लेकिन लास्ट में जो मराठा है वो वीक पड़ जाते हैं। और रिव्यूज ऑफ मुगल एम्पायर, मराठा लेड डाउन देयर फाउंडेशन, तो जैसे ही मुगल एम्पायर कमज़ोर पड़ जाती है उसके बाद जो मराठाज है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ब्रिटिश भी इस बात का फायदा उठाते हैं एंड ब्रिटिश लॉस्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बैडली, है ना, उनको लगता है कि भाई ये मराठा कौन सा कुछ बिगाड़ लेंगे हमारा, और इसलिए वो पहली एंग्लो मराठा वॉर जो ब्रिटिशर्स है वो हार जाते हैं अपने ही जाता है, वो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। दिस वॉज एडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, और क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। लॉर्ड वेलेसली ट्रैप पेशवा इन अ केज ऑफ सब्सिडरी एलाइज इन 1802, तो यहाँ पर जो अंग्रेज थे ना ये दिमाग के बड़े तेज थे लोगों को उलझाने में और फंसाने में, सीधे सीधे लड़ाई करनी था इन लोगों को आती ही नहीं थी। तो लॉर्ड वेलेसली ने यहाँ पे जो पेशवा है उनको ट्रैप करा, किस पे? सब्सिडरी एलाइज करके, वही है कि आपस में भड़काएंगे तुम्हें ही लड़वाएंगे, है ना। तो फिर यहाँ सब्सिडरी एलाइज हुआ 1802 में पेशवा के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या इंस्टॉल किया? ब्रिटिश सुप्रीमेसी को आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द रिमेनेंट स्ट्रेंथ ऑफ मराठा 1818, है ना, और लॉर्ड हेस्टिंग ने बाकी जैसे मराठा वीक पड़े तो यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। देखो ये थे हमारे 31 क्वेश्चंस पूरे, ठीक है, जो नवाब ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे हमारे और उसके आसपास जो भी थोड़ी और बैटल्स चल रही थी। तो ये जो पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जो पंजाब और मैसूर के रूलर से रिलेटेड रहेगा, और साथ में जो यहाँ पर जो भी जो ब्रिटिशर्स हैं जो भी गलत यहाँ पर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो आप
आप मुझे बताना ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और आप चाहे तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।